वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रोटेक्शन पॉलिसी की मिनी और हमने देखा कि कुछ इम्पॉर्टेंट एडवांटेज देखे थे, यानी कि लाभ। उसमें हमने इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट को डिस्कस किया था, यानी कि आर्थिक तर्क को हमने देख लिया था। आज जो हम बात करेंगे वो उसके नेक्स्ट पॉइंट से, यानी नॉन इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट से बात करेंगे, यानी गैर आर्थिक तर्क। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि नॉन इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट क्या होता है, यानी गैर आर्थिक तर्क। तो गैर आर्थिक तर्क का मतलब होता है कि वैसे तो हम लोग इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट को डिफरेंट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी देश की सुरक्षा की अगर हम बात करें या फिर हम हमारे देश की स्वदेशिता की बात करें तो उसके हिसाब से हम इसको अलग अलग विभाजन कर सकते हैं। आर्थिक तर्क में आपने देखा कि सारे के सारे जो आपके धन से संबंधित होते हैं, यानी कि आपको जो बेनिफिट होते हैं उससे रिलेटेड हो सकते हैं पॉइंट सारे। जबकि नॉन इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट में आप देखेंगे देश की जो भावनाएं हैं या फिर स्वदेशी को अपनाना चाहिए, या फिर आप देखते हैं कि इसमें आत्मनिर्भरता की बात आती है, ठीक है। तो इस तरह के पॉइंट इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम पॉइंट का बात करने वाले हैं वो है डिफेंस आर्ग्यूमेंट, यानी कि सुरक्षा तर्क। देखिए, आप देखते हैं कि अगर हम प्रोटेक्शन पॉलिसी को फॉलो करते हैं, प्रोटेक्शन पॉलिसी को अगर आप अपनाएंगे अपने देश में तो क्या होगा? अगर हम इसे अपनाएं तो किसी भी तरह की हमारी जो देश है वो किसी और पे डिपेंड नहीं रहेगा, और रॉ मटेरियल के लिए डिपेंड नहीं होगा, फ्री ट्रेड होगा। तो हम उस सारे प्रोडक्शन को करना स्टार्ट कर देंगे जिसमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता हम दूसरे देश से पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन पॉलिसी का मतलब हो गया सुरक्षा वाली नीति, मतलब बिल्कुल प्रोटेक्ट करना, तो इसके लिए हमें अपने रॉ मटेरियल या किसी भी चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब फ्री ट्रेड पॉलिसी होती है तो बिल्कुल हमारे सारे ओपन रहते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जबकि प्रोटेक्शन पॉलिसी अगर हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे इंटरफेरेंस नहीं होते हैं जो डेवलप कंट्रीज होती है, यानी विकसित देश हमारे देश में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यानी कि राजनीतिक, अगर पॉलिटिकल सिस्टम से अगर हम इम्पोर्टेंट माने तो हमारे देश की सुरक्षा के मामला ज़्यादा अच्छा से हो सकता है, किसमें? संरक्षण नीति में, ठीक है। आप देखते हैं कि जब भी हमारे साथ में अगर कोई युद्ध होता है, ठीक है, अगर हमारे देश में देश का किसी के साथ अगर युद्ध या वॉर की कंडीशन आती है तो हम सारे के सारे अगर हम दूसरे देश पे डिपेंड है रॉ मटेरियल, तो हमारे लिए एक तरह से हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा उस देश के साथ में अभी क्या चल रहा है, संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम रॉ मटेरियल को नहीं मंगा पाएंगे और इससे हमारे प्रोडक्शन को जाके कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉलिसी से हम ना तो डिपेंड रहेंगे किसी देश पे, ना डेवलप कंट्री हमारे यहाँ पे इंटरफेयर करेगी। नेक्स्ट है स्वदेशी और डोमेस्टिक इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, यानी कि हिंदी में इसे क्या कह सकते हैं? स्वदेशी तर्क। देखिए, अगर प्रोटेक्शन पॉलिसी अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे यहाँ के लोगों के पास में मेन ऑप्शन किसका रहेगा? मल्टीनेशनल कंपनी का या हमारे देश के प्रोडक्शन का? हमारे देश के प्रोडक्शन का, ठीक है। अगर हमारे देश के प्रोडक्शन का उनके पास ऑप्शन रहेगा तो सिंपल है, लोग क्या अपनाएंगे? स्वदेशी अपनाएंगे। और इससे क्या होगा, हमारी जो भी इंडस्ट्री है, जो हमारे देश की इंडस्ट्री है, उसको क्या मिलेगा? ग्रोथ मिलेगा। और जब वो बहुत अच्छा ग्रोथ करने लग जाएगी तो एक टाइम के बाद हम एक्स्ट्रा जितना भी हमारा प्रोडक्शन है वो बाहर हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लोगों के पास ऑप्शन नहीं होने का मेन कारण ये भी होता है क्योंकि प्रोटेक्शन पॉलिसी में मेन क्या करते हैं हम लोग, इम्पोर्ट पे क्या कर देते हैं, या तो टैरिफ लगा दिया जाता है या फिर उसका कोटा निश्चित होता है। तो वैसे भी इम्पोर्ट आयात कम होगा तो लोगों के पास में स्वदेशी को अपनाने वाला रहेगा और इससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और एक तरह से देखते हैं कि राष्ट्रीय की जो भावना है वो विकसित हो सकती है, ठीक है। देखिए, अब नेक्स्ट जो अगर हम बात करें आपका, देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, व्यवसाय के पर्यवेक्षण का तर्क, यानी कि मेनली अगर आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे भारत में मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री कैसी है, कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है। और हमारे बिजनेस कैसा है, मोस्टली देखते हैं हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है, ठीक है, और स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। आप देखते हैं कि बहुत जगह की अलग अलग फेमस चीज होती हैं तो उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, यानी कि हमारी जो इंडस्ट्री होगी छोटी छोटी उन पे सरकार ज़्यादा ध्यान दे पाएगी क्योंकि हमारे देश में अगर प्रोटेक्शन पॉलिसी होगी तो एक तरह से हम उन छोटे उद्योगों को बचा पाएंगे और उनकी जो कलात्मक वस्तुएं होती हैं
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर जयपुर का लें या राजस्थान का लें आसाम का लें, तो हर एक स्टेट की एक स्पेशल चीज़ होती है, उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, कलात्मक गुण वाले उद्योगों को ज़्यादा संरक्षण मिल पाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल की इंग्लैंड में 1819 में यानी 1819 में अनाज अधिनियम के अंतर्गत गेहूं के आयात पर प्रशुल्क लगाया गया। यानी अमेरिका जैसे देश ने भी देखिए इंपोर्ट को रोकने के लिए क्या लगा दिया, एक टैरिफ लगा दिया गया, एक कोटा निश्चित कर दिया गया अपने पूरे वीट प्रोडक्शन को, गेहूं को बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस देश में कलात्मक वस्तुएं होती हैं, जिस देश में छोटे उद्योग होते हैं, वहां प्रोटेक्शन पॉलिसी ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस आर्ग्यूमेंट, आत्मनिर्भरता का तर्क। अब देखिए, जब आपके देश में इम्पोर्ट नहीं आएगा, अगर आपके देश में आयात ही नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है कि आप लोग क्या करोगे, आप क्या करोगे उस कंडीशन में, आप प्रोडक्शन खुद स्टार्ट कर देंगे बनाना, करेंगे या नहीं करेंगे, उत्पादन करना खुद स्टार्ट कर देंगे। तो प्रोडक्शन आप खुद करेंगे, तो सिंपल सी बात है, एक तरह से आत्मनिर्भरता यानी खुद पे खड़ा होने की वो जो भावनाएं होती हैं वो आ जाएगी, उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो खुद में एक कह सकते हैं अंदर से मोटिवेशन है वो आने लग जाएगा आत्म, और हम उस प्रोडक्शन को ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे। जब हम देखते हैं कि हम कि रेडीमेड चीज़ लेके आते हैं और रेडीमेड चीज़ लाते हैं, तो जब वो रेडीमेड चीज़ बंद हो जाती है तो हम खुद बनाना स्टार्ट कर देते हैं। होता है जिस तरह से एग्जाम्पल आपने देखा होगा कोरोना टाइम पीरियड में, जब सारी मिठाई की शॉप बंद हो गई थी, तो आप लोगों ने क्या किया, घर पे बनाना स्टार्ट कर दिया, और फिर हमें क्या आ गया, सेल्फ कह सकते हैं कॉन्फिडेंस आ गया कि हम भी बना सकते हैं। उसी तरह से इम्पोर्ट अगर रेस्ट्रिक्शंस होगा, इम्पोर्ट नहीं होगा, तो हम अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी से हमें फाइट नहीं करना होगा, देश की वस्तुओं में आत्मनिर्भरता की भावना जल्दी आ जाएगी, क्योंकि कोई कंपटीशन यहाँ पे नहीं होगा। तो ये थे नॉन इकोनॉमिक कह सकते हैं फैक्टर। अब बात करते हैं भ्रमपूर्ण तर्क। भ्रमपूर्ण तर्क का मतलब क्या होता है, फैलेसियस आर्ग्यूमेंट, यानी कि भ्रमपूर्ण तर्क या मिथ्या तर्क कह सकते हैं इसको। देखिए, सारे के सारे जो फेवर के पॉइंट हैं उसको हमने तीन पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है ताकि हमारे एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ पाएँ। तो सबसे पहले अगर बात करें एक्सपैंडिंग होम मार्केट यानी कि विस्तृत घरेलू बाजार, यहाँ पे ये तर्क दिया गया है कि हम कह सकते हैं यदि देश में निर्माणी उद्योगों को संरक्षण दिया जाए, तो यहाँ पे जो लेबर रहते हैं उनमें ज़्यादा कह सकते हैं प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, यहाँ तक कि जो हमारे फार्मर्स हैं। एक्सपांडिंग का मतलब हो गया होम मार्केट, किस बाजार को बढ़ा रहे हैं हम, अपने जो घर के बाजार है, घरेलू बाजार है, उसको बढ़ा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एक्सपांडिंग क्या कर रहे हैं, घरेलू बाजार का। अब सिंपल सी बात है कि अगर आपके देश में प्रोटेक्शन पॉलिसी है, संरक्षण नीति है, तो आप क्या करोगे, कहाँ प्रोडक्शन करोगे, अपने देश में प्रोडक्शन करोगे, और अपने देश में प्रोडक्शन करते समय आप किसके रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करोगे, अपने देश के रिसोर्सेज यूज़ करोगे। तो आप एक मतलब कह सकते हैं प्रोटेक्शन पॉलिसी से आप एक तरह से अपने फार्मर यानी किसान को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप सारे के सारे जो रिसोर्सेज यूज़ करोगे वो किसान से, नेचुरल जो रिसोर्सेज यूज़ करोगे वो किसानों से लेके आएंगे, आप अपने ही टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, आपके देश में ही क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एक तरह से देखते हैं कि हमारे देश का जो मार्केट होगा वो ज़्यादा विस्तृत हो पाएगा। क्लियर है आपको, यानी कि बाजार हमारा देश का ज़्यादा विस्तृत हो पाएगा। ठीक है, तो अगर से बाजार हमारा तभी विस्तृत हो पाएगा जब आप इम्पोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाओगे, इम्पोर्ट नहीं आएगा तभी आपके घरेलू बाजार बढ़ेगा, इम्पोर्ट आने लग गया तो आपका घरेलू बाजार एक तरह से कम होने लग जाएगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट है लेबर आर्ग्यूमेंट यानी कि श्रम का तर्क। देखिए, श्रम के तर्क में अगर प्रोटेक्शन पॉलिसी अगर आप फॉलो करते हो, तो आप देखते हो कि बहुत ऊंचे जो लेबर होते हैं स्तर को विदेशी में सस्ते श्रम के संरक्षण दिया जाना चाहिए, यानी कि कह सकते हैं जिस देश में लेबर की रेट कम होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ बहुत जल्दी से प्रोडक्शन होता है, उसकी कॉस्ट भी कम आती है। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम बात करें कि आप देखते हैं कि यूएसए है,
या फिर ब्रिटेन या कोई भी आप देश का बड़ी कंट्री का आप नाम लेंगे, तो वहाँ के जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे यहाँ पे आके क्या होता है, हमारे यहाँ पे किया जाता है, और फिर उस माल को बनाकर हम लोग क्या कर देते हैं, वापस उनको दे देते हैं, जैसे डेवलप कंट्री को। वो लोग क्या करेंगे, अपने उस माल पे लेबर लगाएंगे, अपनी पैकेजिंग करेंगे, और फिर हमें ही वो डबल प्राइस में हमारे देश में सेल करते हैं। हमारे देश में वो माल क्यों बेचते हैं, मेन कारण ये क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि लोग कम पैसों में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसका फायदा जो है वो डेवलप कंट्री ज़्यादा लेती है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए बेनिफिट क्या होगा जब हम प्रोटेक्शन पॉलिसी फॉलो करेंगे, कि हम लोगों के देश में क्या होगा कि लेबर की जो कॉस्ट है वो वैसे भी श्रम की जो दर है वो क्या होगी, कम होगी। श्रम की कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, तो इससे जो भी प्राइस होगा प्रोडक्शन का वो क्या होगा, वो भी कम ही होगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारी सप्लाई है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कम से कम अनेक ऐसे इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे हाई लेवल आप कह सकते हैं लेबर की जो है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे देश में हम सस्ता श्रमिक यूज़ करके अब बहुत एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं। तो एक प्रोटेक्शन पॉलिसी का कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट होने वाला है। कीपिंग मनी एट होम आर्ग्यूमेंट, यानी कि क्या है, मुद्रा को देश में रखने का तर्क। अब सिंपल सी बात है कि जो प्रोटेक्शन पॉलिसी का मीनिंग ही क्या होता है, इम्पोर्ट को कम करना, इम्पोर्ट को कम करना। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मुद्रा को अपने घर में ही रख रहे हो। अब देखिए, अगर आप लोग इम्पोर्ट करते हो, आयात करते हो, तो आप फॉरेन करेंसी को कहाँ भेज रहे हो, फॉरेन करेंसी कहाँ जा रही है आपकी, बाहर जा रही है, यानी कि जो आउटर आपकी जिस कंट्री से आपने इम्पोर्ट किया वहाँ जाएगी, तो ये बाहर जा रही है, इसका फ्लो कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। लेकिन जब हम इम्पोर्ट ही नहीं करेंगे तो बताइए फॉरेन करेंसी कहाँ रहने वाली है, आपके देश में ही। और सबसे बड़ी बात है, फॉरेन करेंसी आपके देश में रहेगी, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि हमें प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हम इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, तो हम लोग प्रोडक्शन को ग्रोथ दे पाएंगे। तो इससे अगर आपकी फॉरेन करेंसी बाहर नहीं जाएगी, तो यहाँ बाहर नहीं जा रही है, तो एक तरीके से आपका BOP भी, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप टैरिफ लगाते हैं, अगर आप कोटा निर्धारित करते हैं, तो एक तरह से आपके सरकार का रेवेन्यू ही जनरेट हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इक्वलाइजेशन ऑफ कॉस्ट आर्ग्यूमेंट। इक्वलाइजेशन ऑफ कॉस्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब है लागतों में समानता का तर्क, लागत जो है उसमें समानता का तर्क। देखिए, प्रोटेक्शन पॉलिसी को फॉलो करने से जो टैरिफ होता है उसका यह तर्क दिया जाता है कि जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है उसकी लागत और जो फॉरेन के जो प्रोडक्शन होती हैं उसकी जो कॉस्ट होती है उसमें अंतर आप कह सकते हैं को बराबर कर देता है, ठीक है। अगर देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर वो लोग हमारे देश में कुछ प्रोडक्ट को बेचते भी हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हमने उस पर क्या कर दिया, हमने उस इम्पोर्ट पर क्या लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया है, तो एक तरह से टैरिफ लगने पर इस इम्पोर्ट वाली वस्तुओं का प्राइस बढ़ेगा या कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। तो एक तरीके से आप देखते हैं हमारे देश के प्रोडक्शन को जो है वो भी महंगा आएगा और हम भी अपनी कॉस्ट बढ़ाकर सेल कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि टैरिफ की वजह से आप देख सकते हैं कि विदेशी वस्तुओं का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। देश में टैरिफ यानी प्रशुल्क लागत इतनी ऊँची होनी चाहिए कि देश की लागत और सापेक्ष जो आपकी फॉरेन कंट्रीज़ की प्रोडक्शन की न्यून लागत में समानता हो। ये एक बहुत ही पुराना आप कह सकते हैं तर्क था कि कॉस्ट को इक्वल करना, कॉस्ट में इक्वलाइजेशन लाने का मतलब हो गया कि फॉरेन के प्रोडक्ट को आप तभी उसकी प्राइस ज़्यादा कर सकते हो जब आप इम्पोर्ट पे क्या करोगे, टैरिफ लगाओगे। और इससे क्या होगा कि अगर हमारे देश का जो प्रोडक्शन है उसकी भी कॉस्ट ज़्यादा है तो दोनों ही जाके एक बार क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो कस्टमर चाहे इस प्रोडक्ट को ले चाहे उस प्रोडक्ट को ले, दोनों ही सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड आर्ग्यूमेंट, यानी कि व्यापार संतुलन में सुधार का तर्क। देखिए, अगर आप संरक्षण नीति अपनाते हैं अपने देश में तो एक तरह से फेवरेबल होगा आपका व्यापार संतुलन। क्यों? क्योंकि आयात कर लगने से देश में विदेशी वस्तुओं का आना एक तरह से बंद हो जाएगा। वैसे BOT का मतलब क्या होता है, BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम देखते हैं
एक्सपोर्ट और क्या आता है आपका इम्पोर्ट आता है, राइट। लेकिन जब आपने यहाँ पे प्रोटेक्शन पॉलिसी अपनाई और आपका इम्पोर्ट बहुत महंगा हो जाएगा तो क्या इम्पोर्ट आप करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे एक्सपोर्ट में क्या होगा, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ जमा होती रहेगी, लेकिन इम्पोर्ट जब आप नहीं करोगे तो फॉरेन करेंसी बाहर नहीं जाने वाली है। तो एक तरह से BOT को क्या करेगा, फेवरेबल करेगा। BOT में यानी कि जो व्यापार संतुलन होता है उसमें दो चीज़ें आती हैं, निर्यात और आयात। जब आप आयात कम करोगे तो फॉरेन करेंसी आपके देश में ही रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। और आपका अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो इस तरह से आपकी फॉरेन करेंसी यहाँ आती रहेगी, दूसरा आपको बाहर नहीं देनी है। तो एक तरह से ये BOT को क्या करेगा, फेवरेबल करेगा। यानी कि BOT को फेवरेबल करने का मेन कारण है कि आपका इम्पोर्ट नहीं होना। अगर आयात नहीं है तो फॉरेन करेंसी बाहर नहीं जाएगी, और फॉरेन करेंसी जब बाहर नहीं जा रही है तो वो BOT को फेवरेबल करेगी। फुल एम्प्लॉयमेंट आर्ग्यूमेंट, देखिए पूर्ण रोजगार तर्क। टैरिफ को किसी भी देश में आप कह सकते हैं बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए एक बहुत ही पावरफुल माना गया है। यानी कि अगर हम टैरिफ लगा दें, टैरिफ का मतलब हो गया प्रशुल्क, अगर आपने अपने आयात पर लगा दिया है प्रशुल्क तो आपके आयात हो गए हैं महंगे और आप उसको नहीं मंगाएंगे, तो बताइए उस रिक्वायरमेंट को, उस आयात वाले आइटम को आप अपने देश में बनाएंगे, और देश में बनाएंगे तो देश के रिसोर्सेज काम मिलेंगे। इट मीन्स आप क्या करेंगे, अपने ही लेबर का यूज़ करेंगे, आप अपने ही लोगों का काम पे देंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं पूर्ण रोजगार की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। क्लियर है आपको? तो टैरिफ लगाने से आप कह सकते हैं एक तरह से आप अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या आ रही है आपके देश में उसको दूर कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं एडवांटेज थे किसके, मिथ्या तर्क कह सकते हैं, इस तरह से हम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने देखे बेनिफिट तो बहुत है, लेकिन क्या कुछ डिसएडवांटेज हैं, क्या कुछ हानियां या कुछ दोष भी हैं क्या प्रोटेक्शन पॉलिसी को अपनाने से? बिल्कुल है, कैसे नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए सबके दो पहलू होते हैं, पक्ष और विपक्ष के। तो चलिए बात करते हैं इंक्रीमेंट टू इनएफिशिएंसी, यानी कि अकुशलता को प्रोत्साहन, अकुशलता को क्या है, प्रोत्साहन मिल रहा है। सबसे मेन प्रॉब्लम यही आती है अकुशलता। देखिए जब आप किसी चीज को बनाने में कैपेबल नहीं है लेकिन प्रोटेक्शन पॉलिसी फॉलो करने से आपके देश में आयात तो आएगा नहीं, तो आप उसी आइटम को अपने देश में बनाने लगोगे, और देश में बनाने से क्या होगा, आप में वो कैपेसिटी है नहीं कि आप उस आइटम को बना सकें, उस प्रोडक्शन को कर पाएं, लेकिन फिर भी आप करेंगे तो एक तरह से उसमें इनएफिशिएंसी वर्किंग आएगा ही। यानी जिस कार्य में आप कुशल नहीं है फिर भी आप उस कार्य को करेंगे तो आप में अकुशलता उस कार्य में आएगी, और एक तरह से हम अपने जो भी संसाधन है उसका क्या कर रहे हैं, मिसयूज करने लग जाएंगे, क्योंकि जब आप उस कार्य में दक्ष नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं, ठीक है। स्लैकनेस इन इंडस्ट्रीज, यानी कि कह सकते हैं उद्योगों में शिथिलता, उद्योगों में शिथिलता। देखिए इसमें क्या हो सकता है, उद्योगों में शिथिलता, यानी कि जिन उद्योगों को सरकार द्वारा बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाएगा वे अपनी प्रोडक्शन में कुशलता बढ़ाने का प्राय कोई प्रयास नहीं करेंगे। यानी कि जब उनको गवर्नमेंट से फेवर मिलेगा, जो हम ये बात कर रहे हैं हम लोग स्मॉल इंडस्ट्री की, स्मॉल इंडस्ट्री को जब किससे फेवर मिलेगा, गवर्नमेंट से, वो स्मॉल इंडस्ट्री के जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसकी मल्टीनेशनल कंपनियों को आने नहीं देंगी सरकार, तब ये जो स्मॉल इंडस्ट्री है उनको बेनिफिट मिल गया कि सरकार हमें सपोर्ट कर रही है, तो वो अपने फंक्शन को धीरे धीरे कम करती रहेगी, उनमें एफिशिएंसी कुशलता नहीं आएगी। कुशलता इसलिए नहीं आएगी क्योंकि सरकार उनका सपोर्ट कर रही है, और वो कॉम्पिटिशन वाली नहीं बनेगी। जब कॉम्पिटिशन होता है तभी हमें ज़्यादा सुधार आता है, लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिशन होगा नहीं क्योंकि सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। तो एक तरह से आप देखते हैं जो उद्योग की कार्य शक्ति वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, शिथिल होती जाएगी। बैरियर इन बैलेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट, आप कह सकते हैं संतुलित औद्योगिक विकास में बाधाएं, संतुलित औद्योगिक विकास में बाधाएं। यानी जिन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट संरक्षण देगी, जिनको सपोर्ट करेगी, उन उद्योगों की आप कह सकते हैं, उन उद्योगों की सिर्फ कैपिटल, लेबर या आप कह सकते हैं अन्य प्रोडक्शन के जो साधन हैं वो आकर्षित होने लगते हैं। यानी कि असंतुलन की स्थिति आने लग जाएगी, उनको बेनिफिट मिलता है सरकार से तो वो रिसोर्सेज सरकार से लेगी, लेकिन वो सही ढंग से
उत्पादन नहीं कर पाएगी तो हमारे यहाँ पे एक संतुलित जो औद्योगिक विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, सरकार हमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है, अनुदान देती है, तो वो अपने संसाधन का इसी तरह धीरे धीरे मिसयूज करने लग जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनोपोली, जब आप इम्पोर्ट नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि आपके देश की ही कोई इंडस्ट्री आपके ही देश में मोनोपोली करने लग जाएगी। सिंपल है कि जब आप इंपोर्ट नहीं करोगे, इंपोर्ट करते हैं तो हमें कंपटीशन का डर रहता है, हम प्राइस ज़्यादा हाई नहीं करते हैं, ठीक है, कीमतों को बढ़ाते नहीं है। क्यों नहीं बढ़ाते? क्योंकि हमें लगता है कि कोई भी कॉम्पिटिशन हमें आके फाइट कर सकता है। लेकिन जब आपके देश में प्रोटेक्शन पॉलिसी फॉलो करेंगे तो कोई ना कोई इंडस्ट्री क्या करेगी, अपनी मोनोपोली करेगी और कीमतों को बहुत आसमान पर लेके चली जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा कीमत को कर देगी। तो इस तरह से आपके देश में क्या हो सकता है, एकाधिकार का जो वातावरण है वो बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिफिकल्टी इन रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन, संरक्षण को हटाने में कठिनाइयां। देखिए, एक बार जब सरकार किसी कहीं इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दे देती है तो बाद में उसे हटाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। उसके बाद आप देखते हैं ये एक पॉलिटिकल इश्यू बन जाता है कि पहले संरक्षण दिया गया और बाद में संरक्षण ले लिया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक स्तर पर भी इसका एक विवाद बन जाता है, और जिसको एक बार संरक्षण दे दिया जाता है उसे हम उससे वापस उसका अधिकार नहीं ले सकते। यानी कि प्रोटेक्शन तो हमें कब तक देना है, जब तक कि वो छोटा उद्योग हो, स्मॉल हो, तब तक हमें उसे सपोर्ट देना है। लेकिन जब वो इंडस्ट्री अगर लार्ज बन जाती है यानी कि बड़ा उद्योग बन जाती है तब उसे संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब एक बार इंडस्ट्री को हमने संरक्षण दे दिया सरकार ने, तो बाद में हम उसको हटाना थोड़ा टफ हो जाता है हमारे देश के लिए। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कस्टमर्स। देखिए, हम सभी क्या है, उपभोक्ता है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट बाजार में खरीदने जाते हैं और हमारे पास ऑप्शन होते हैं तो हम देखते हैं ना कंपैरिजन करके कि किसको परचेस करें। लेकिन जब आपके देश में इम्पोर्ट ही नहीं होगा, जब आपके देश में आयात ही नहीं होगा मल्टीनेशनल कंपनियों का, तो क्या आपके सामने कोई ऑप्शन होगा? क्या नहीं होगा। तो कंज्यूमर को वही प्रोडक्शन परचेस करना पड़ेगा जो उसके सामने होगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ टू कस्टमर्स क्या होता है कि कस्टमर्स के सामने कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तरह से उसका आर्थिक शोषण ही होने लगेगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है धन का असमान वितरण। तो देखिए, जब आप देखते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री को जब सरकार प्रोटेक्शन देती है तो सब्सिडी देती है, तो सरकार एक तरह से इंडस्ट्री को तो सपोर्ट कर रही है, तो वहाँ पे तो उद्योगपति हैं वो, जो एंटरप्रेनर हैं वो तो अमीर से अमीर बनते जाएंगे। लेकिन सरकार इन सब का सब्सिडी वगैरह देने के लिए जनता पर क्या करेगी, पब्लिक पर क्या करेगी, टैक्स को बढ़ा देगी। तो एक तरह से आप देखते हैं कि वेल्थ का आप कह सकते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज को तो मिल जाती है सब्सिडी, अनुदान मिल जाएगा, लेकिन जनता को क्या मिलता है, पब्लिक को क्या मिलता है, मिलता है हाई लेवल का टैक्स यानी कर। समझ में आई? क्योंकि टैक्स लगाकर सरकार ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग कर सकती है। तो देखिए, एक जो है पोर्शन वो तो आपका रिच से रिच बनता जाएगा और एक जो सेक्शन है वो आपका पुअर से पुअर बनता जाएगा। तो आप देखते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का असमान वितरण, यानी एक अधिक से अधिक धनी और एक अधिक से अधिक निर्धन बनता जाएगा। तो ये एक आप कह सकते हैं अनबैलेंस हो सकता है। पॉलिटिकल करप्शन, राजनीतिक भ्रष्टाचार। जिन उद्योगों को आप देखते हैं, जिन उद्योगों को संरक्षण दिया जाता है वहाँ पे पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उसे हटने नहीं देती, यानी कि एक बार जब उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है किसी भी उद्योग को, तो वहाँ पे हम इसको जल्दी से उस पर संरक्षण नहीं हटा सकते क्योंकि वो राजनीतिक मुद्दा बन जाती है और वो काफ़ी टाइम तक चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एक तरह से अपनी राजनीतिक जो सिस्टम है उसमें करप्शन भ्रष्टाचार लेके आ रहे हैं। डिग्री इन गवर्नमेंट इनकम, देखिए इसमें हम कह सकते हैं सरकारी आय में कमी, सॉरी डिक्रीज, क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, डिक्रीज, ये हो जाएगा आपका डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज यानी कि सरकारी आय में कमी। देखिए, हमने देखा कि संरक्षण नीति में हम आयातों पर तो क्या लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, प्रशुल्क लगा रहे हैं। तो आयात में धीरे धीरे जब आयात महंगे होंगे तो आयात में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो सरकार को जो टैरिफ से इनकम होने वाली है वो नहीं होगी, क्योंकि
जब इम्पोर्ट महंगे होंगे तो कौन उसे इम्पोर्ट करना चाहेगा? जब इम्पोर्ट महंगे होंगे तो कोई इसे इम्पोर्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो सरकार ने अगर इस पर टैरिफ लगा भी दिया तो जब हम इम्पोर्ट ही नहीं करेंगे तो सरकार का टैरिफ आना बंद हो जाएगा। तो एक तरह से सरकार की इनकम क्या होती है? धीरे धीरे कम होती जाएगी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, अगर हम ये बात करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्य कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्य का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जब आप अपने देश में आयात को महंगा करेंगे तो दूसरे देश भी क्या करेंगे? अपने देश में आयात को महंगा कर देंगे। तो जब आप अपने देश में किसी को माल को नहीं आने देंगे तो आपके माल को भी तो कोई देश, दूसरा देश आने नहीं देगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अपने आपस में क्या कर रहे हैं, आप अपने संबंध जो रिलेशन हैं अच्छे वो खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि एक बार जब हम अपने इम्पोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो हमारे जैसे दूसरे देश जो जहाँ पे हमारा माल जा रहा है, हमारा गुड्स जा रहा है, तो वहाँ पे भी लोग क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो इस तरह से इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं खराब होने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन फॉरेन ट्रेड। कॉन्ट्रैक्शन इन फॉरेन ट्रेड में हम क्या कह सकते हैं? विदेशी व्यापार का संकुचन। जब आप प्रोटेक्शन पॉलिसी को फॉलो करते हो तो एक तरह से आप अपने इंटरनेशनल ट्रेड को यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या कर रहे हो? बंद कर रहे हो, उसको नियंत्रण कर रहे हो। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपका इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। तो प्रोटेक्शन नीति को जब हम फॉलो करेंगे तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। इसका मेन कारण ये है कि जब हम किसी इम्पोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन हमने लगा दिया इम्पोर्ट पे, तो जिस कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो आपने इम्पोर्ट को बंद कर दिया, तो जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो कंट्री क्या करेगी कि आपका जो एक्सपोर्ट आप करते हो वो कहीं ना कहीं दूसरे देश में क्या है? इम्पोर्ट है। तो लोग, दूसरी कंट्री आपके इम्पोर्ट पे क्या लगा देगी? रेस्ट्रिक्शन लगा देगी। तो ना तो आप इम्पोर्ट कर रहे हो ना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक तरह से आपका फॉरेन ट्रेड क्या हो जाएगा? धीरे धीरे संकुचन का मतलब है कम होता जाएगा, और जो आपके गुड रिलेशन है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगे। तो ये थे प्रोटेक्शन पॉलिसी के, हमने एडवांटेज देखे और डिसएडवांटेज देखे। तो ये आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछें कि विच इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हमने दोनों पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया, फ्री ट्रेड पॉलिसी और प्रोटेक्शन पॉलिसी को। तो देखिए, प्रोटेक्शन पॉलिसी में संरक्षण में आपको ध्यान रखना है कि हमको संरक्षण तभी तक देना है जब तक कि वो इंडस्ट्री छोटी है, यानी स्मॉल इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, वहाँ तक उनको संरक्षण देना है। जब वो इंडस्ट्री बड़ी बन जाए तो वहाँ उसको संरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी अपने अपने हमने देखा एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों की बात की। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको अपनी कह सकते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने के लिए स्टार्टिंग में प्रोटेक्शन पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, और जब उनका इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाता है तब उनको फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनानी चाहिए। तो यानी कि जो विकासशील देश हैं, विकासशील जो देश हैं वहाँ पर हम कह सकते हैं विकासशील देश में स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में हम क्या करेंगे? प्रोटेक्शन पॉलिसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन वाली यानी संरक्षण देंगे, और बाद में धीरे धीरे हम किस पॉलिसी को अपनाने लगेंगे? फ्री ट्रेड पॉलिसी को। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों के ही मेरिट्स और डीमेरिट्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।